जाकिर भाई चौथी बार मौका दिया है कांग्रेस ने, कितना उत्साह है? बताइए जाकिर भाई, चौथी बार कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। मैं सबसे पहले हमारे जो AICC के शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोडरा साहब और सचिन पायलट साहब और जो हमारे परिवारी रंधावा साहब और काजी निजामुद्दीन जी का मैं बहुत बहुत तेज से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने वापस मेरे पे विश्वास जताया और कंटिन्यू चौथी बार मेरे को पार्टी ने टिकट दिया। मैं इन सभी के विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और जीत दिलाने की पूरी पूरी इनको भरोसा मैं दिलाता हूँ। कितनी टक्कर मानते हैं, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी आ गया है, कितनी बड़ी टक्कर? देखो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तो आना ही है, ग्राउंड तो खाली रहना नहीं है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस BJP मेन पार्टी है और उन्होंने अपना कैंडिडेट भी चेंज कर दिया। पहले रूपाराम जी मुरावतिया थे सिटिंग MLA, अब सुनीता बिचल जी को उतारा उन्होंने जो प्रधान। और उदयपुर से सहयोगी कपिल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, चौथी लिस्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस ने जारी कर दिया है और 56 नामों का ऐलान हुआ है, कितना उत्साह वहां पर जो लोग हैं और क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, खुश हैं जो ये ऐलान हुआ है उससे? देखिए, अगर हम उदयपुर संभाग की बात करेंगे तो चौथी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें कुल 12 प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा जारी किए गए, लेकिन बड़ा नाम उदयपुर से गौरव वल्लभ का सामने आया है, क्योंकि गौरव वल्लभ लगातार उदयपुर से तैयारी कर रहे थे लेकिन विरोध के स्वर भी मुखर थे, क्योंकि गौरव वल्लभ बाहर ही प्रत्याशी के तौर पर थे और ये माना जा रहा था कि उदयपुर में गौरव वल्लभ के नाम के बाद में विरोध काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि प्राथमिक तौर पर अभी कोई ऐसी जानकारियां नहीं मिल रही है, लेकिन